क्या है, क्यों है, किस लिए है? सवालों से परे सादगी के रंग ओढ़े हमसे मिलते हैं जतिन दास। जतिन दास जो देश के बहुत अहम कलाकारों में गिने जाते हैं, कलाकार होना जीवन शैली मानते हैं, जो हमारे आसपास के खेतों, पेड़ों, फल फूलों, कपड़ों, कलाकृतियों और हाँ सोच में झलकती है, जो हमें सृष्टि से जुड़ी हर एक कृति को करीब से महसूस करने की प्रेरणा देती है। हाँ, जतिन दास के लिए कला जीवन है। ओडिशा के छोटे से गांव से उभरे जतिन मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से होते हुए दुनिया भर के रंगों से सिंच कर अपनी कला को नए पंख देते रहे हैं। जब ये कैनवस पर रेखाओं की उधेड़ बुन से गुजरते हैं तो सफर इनके लिए भी उतना ही रोमांचकारी होता है जो शायद देखने वाले के लिए। भले ही जतिन दास की पेंटिंग्स लाखों और करोड़ों में बिकती हों, पर इनके खुद के लिए कला हमारे आसपास हर पहलू में सांस लेती है और इसी की धड़कन सुन पाना ही बनाता है हर किसी को कलाकार। इनसे एक खास बातचीत बिटवीन अस। वेलकम टू द शो जतिन जी। थैंक यू। चंडीगढ़ कैसा लगता है आपको? दिस इज योर फर्स्ट बिग शो इन ऑल दीस इयर्स। या आई हैव हैड शोस हियर बिफोर बट आई लाइक चंडीगढ़। जी। दिल्ली और बॉम्बे से आप जब थोड़ा बाहर निकल जाते हैं ना, सब जगह हिंदुस्तान में बढ़िया है। लोग भी बहुत जेंटल है और प्यारे हैं जी। और शांत है जरा, बट ये सब शहर खराब हो जाएंगे धीरे धीरे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लास्टिक, सिंथेटिक कल्चर हैज इन्वेडेड एवरीवेयर। लेकिन ये तो बढ़िया शहर है, ऑफकोर्स कॉर्बूजिए सिटी, and it's also a Punjabi city. Yeah. You know, it also has the vistas, the space. Yeah. वो जो है वो बढ़िया है। Does it provoke the artist in you? No, everything provokes an artist. Yeah. It's not only the provocation. जी. It is the incentive, it's the impetus, it is the inspiration, and then ये जो मन है ना और ये जो आँख है, ये हर चीज को ग्रहण कर लेता है। जी, right. So you've never had the temptation to move to another city? I mean, आप दिल्ली में रहते हैं। मैं I'm originally from Orissa. Yeah, मयूरभंज। मयूरभंज करके एक पुराना प्रिंसली स्टेट है। जी। बहुत सुंदर शांत था और वहाँ से मैं बॉम्बे गया टू द बिगेस्ट सिटी इन दोज डेज एंड थ्रॉबिंग, मतलब 58 में, फिर दिल्ली आया। बट मैं कहीं पहाड़ी में रहूंगा ये सोचा है आपने? हाँ, काम करूंगा। नहीं, दुनिया में सब जगह जाऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। यू कैन लिव इन ए सिटी एंड यू कैन बी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दैट एंड इट डिपेंड्स। एवरी सिटी हैज मेनी लेयर्स। क्यों? यू नो द प्लेस दैट यू लिव इन, एशियाड विलेज, वो खुद में ही एक अपने आप में एंटिटी है। वो लॉट्स ऑफ ट्रीज, लश ग्रीन, इट्स क्वाइट एंड इट्स क्लीन। अच्छा, हम थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करेंगे। जी। मयूरभंज में आप पैदा हुए और बड़े हुए। जी। आपकी माँ से तो आप, ऑफ कोर्स आपकी माँ पेंट करती थी। बहुत सारे माँ हैं, बाबा हैं जो कि टैलेंटेड है। समबडी इज टैलेंटेड मैथमेटिक्स, समबडी टैलेंटेड म्यूजिक और पेंटिंग, ऐसा है, लेकिन वो टैलेंट को परस्यू नहीं करते हैं। जी। हमारे देश में क्या है, हम दबाव से करते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS ऑफिसर बनो, अभी HT बनो, और जितने लड़कियां सब मीडिया में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग, सिनेमा, मीडिया एंड टेलीविजन, दैट्स ऑल। सो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स आर डिसअपीयरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। हर एक का जो गुण है ना, जो DNA है, जो देवदत्त है, तत्व है, उसको उभारना चाहिए। और उसको उभारने के लिए समाज, पेरेंट्स, होम, स्कूल उनका ऊपर है। आपकी माँ तो पेंट करती ही थी, पर आपकी अर्ली इन्फ्लुएंसेस, आपके हिसाब से क्या था कि आपने आर्टिस्ट बनना पसंद किया? अब देखिए, बहुत सारे लोग आजकल क्या कुछ बनने के लिए कोशिश करते हैं। जी। हमने कुछ बनने के लिए कोशिश नहीं किया था। द बिग सिटीज हैव द वेस्टर्न पैराडाइम। ये म्यूजिक एंड डांस ऑडिटोरियम में देखा जाता है, पेंटिंग गैलरी में देखते हैं। लेकिन हम जो बचपन में शुरू किया, मंदिर में जाते हैं, मंदिर की दीवारों में पेंटिंग है, कीर्तन होता है, कीर्तन से कान में म्यूजिक आता है। तो दैनिक जीवन में, इन आवर डे टू डे लाइफ, वी इम्बाइब, एंड सो आर्ट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ। लक्ष्मी पूजा के वक्त तो पित्तल की कांसे की मूर्ति निकल के उसको इमली में धुला के फिर सजा फूल देते हैं।
तो हम शाम को प्रार्थना करते थे बचपन में. सो म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री, इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ. बगीचे में बहुत सारे पौधा है, अस टू लुक आफ्टर द गार्डन. अब समझे, वेयर एज टूडेज यंग मैन इज फोर्स टू टेक ए प्रोफेशन टू अर्न मनी, दैट्स ऑल. सो व्हेन आई स्टार्टेड आई वांटेड टू पेंट एंड ड्रॉ एंड आई वॉज वेरी लकी. आई हैड अ गुरु हु वॉज अ हेड मास्टर who wrote poetry, who did clay modeling, who did painting, who played mridangam, and who knew Vedas and Upanishad, who cooked very well, and he had a garden of herbs, and he also taught yoga. So I learned yoga at the age of 8. Jaise kehte hai na, Punjab mein kuch culture nahi, sirf agriculture. These are all nonsensical attitude. Badi architecture hai. Jammu ka, Kashmir ka, Punjab ka, Rajasthan ka architecture alag, handicraft alag hai. पक्षी है, फुलकारी है. द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड द फैमिली हैव नॉट गिवन द एक्सपोजर ऑफ आर आर्ट एंड कल्चर टू आर चिल्ड्रेन. तो सब इसीलिए हैमबर्गर खाते हैं और मॉल में जाते हैं और घूमते फिरते हैं. कॉलोनियल रूल गया, 60 साल हो गया. पढ़ाई में इन आर सोसाइटी वी हैव नॉट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ एजुकेशन कनेक्टेड टू आर कल्चर. टू आर कल्चर आप जीन्स भी पहने, लेकिन साड़ी भी पहनना चाहिए, सलवार भी पहनना चाहिए. और हमारे देश की बढ़िया बढ़िया बुनकारी कपड़ा है. और आप घटिया नायलॉन क्यों पहनेंगे? सो सेंस ऑफ पोएटिक्स, सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स कम्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ. यू सी, जो गांव में नदी के किनारे, समुंदर में, पहाड़ी के पास पैदा हुआ, उसको बहुत बढ़िया मजा अपब्रिंगिंग में आता है. मेरे घर में मुझे याद है, माई मदर यूज्ड टू से, आज कोई आए नहीं खाने में मजा नहीं आया. इन आवर हाउस There about 40 varieties of pickles used to be made by my grandmother. बड़ी जो होता है ना, गन्ने का रस का बड़ी, उसका बड़ी, तिल का बड़ी, वगैरह वगैरह. ये होते हुए भी जो आप आर्टिस्ट बनेंगे, ऐसे कुछ नहीं है. To be an artist and to remain an artist always is not so easy. बहक जा सकते हैं. And I do not know whether my next painting will be good or not. क्यों? Nobody knows. When Kishori Amankar गा रही है, उस दिन मैंने सुना उसका गला ठीक नहीं था, ढंग से नहीं गा रही थी. आप समझ रहे हैं? सो रियाज की जरूरत है. किशोरी अमनकर इज अ ग्रेट सिंगर. वन कैन रिपीट वन सेल्फ, वन कैन बी अ स्पेंट फोर्स. इफ यू, आप अपने घोड़े के लगाम, इफ यू डू नॉट होल्ड इट प्रॉपरली, आप बहक भी जा सकते हैं. एक बात, और काम में नयापन आने के लिए जबरदस्ती नहीं चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नया चीज का, ये जी, का कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. नॉनसेंस. इफ यू आर इम्बाइबिंग थिंग्स फ्रॉम योर नेचर, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम योर थॉट्स एंड आइडियाज, देयर इज अ रिजर्वोयर ऑफ मटेरियल. एक जन्म में खत्म नहीं होता. मैं तो कहता हूँ एक जन्म. जतिन जी, आई एम गोना मूव टू योर एक्सपीरियंस इन जेजे स्कूल. ओके. एक तो बिसाइड्स टेक्निक, यू नो, जो द शीयर टेक्निक एंड देन ओपनिंग ऑफ द माइंड, आपको अपने उस स्कूल से क्या मिला? इन एन इंस्टीट्यूशन दे डोंट टीच टेक्निक, दे टीच रूडिमेंटरी फाउंडेशन. अच्छा. आप खाना बनाने चाहते हैं, पहले बगीचे में सब्जी उगाओ, उसको पानी दो, उसको सब खाद दो, फिर सब्जी की लाइए. देन यू नो हाउ टू वॉश वेजिटेबल, देन आफ्टर वॉशिंग हाउ टू चॉप वेजिटेबल. So there is a complete process. Right. So if I paint, I have to know how a canvas is made, how a canvas is primed, and then how to paint, how to take out colors, what are the colors. Yeah. So art school is like that. Ji. And I have been a professor also, and I've been teaching art. Yeah. But what is very important is you cannot claim to make anybody an artist. You can only nurture, create a platform, train a person to be able to look at and to do your riyaz, your exercise, your practice. Ye kar sakte hain. As a teacher, how do you approach your students? What do you look for, first of all, in your students? I'm very idealistic. Achha. Main chahta hoon ek student 10 saal sikhe. Achha. Aapko batao, aap ascharya honge. The dancers and musicians have shagird. Ji. Art painters have no disciple, no shagird, no pupil. Yeah. They're all in the first year wanting to sell and buy. I have given up teaching for this reason. Achha. Because nobody wants to learn. And I'm a taskmaster. Right. As a student, I used to do 300 sketches a day. Eh? 300 sketches a day? So I want my student to do at least 20-30 sketches a day.
That's not much at all. You know, वो करते नहीं. It has happened so many times. Somebody came and said, Mr. Das, I want to learn from you. I said, sure, okay. तो एक काम करो, कल 10 sketches लेके आना. अच्छा. वो आया नहीं. So are we also saying that many students आजकल आर्ट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उनको लगता है कि हम बेचेंगे एंड हम like modeling. अच्छा, just to make money. Yeah, yeah. To make money, to make a name and to make money, मैं famous होना चाहते हैं overnight. अच्छा. बस. और क्या? So ऐसे बहुत सारे students होंगे art schools में who don't have it in them to be artists anyways. Yes. Earlier, some of the girls used to go to art school more. अच्छा. और जिनको admission नहीं मिलता था. साइंस में कि मैथमेटिक्स में कि किसी में एडमिशन नहीं हो तो आर्ट स्कूल में चले जाओ और सबसे अच्छा आर्टिस्ट जो है कोई रंगबंग लगाता है कुछ करता है और जो समझ नहीं आता. सो मेनी वेल टू डू फैमिलीज चिल्ड्रेन आर ऑल्सो लर्निंग क्यूरेटिंग फ्रेमिंग क्रिटिसिज्म एंड डू ए कोर्स ऑन आर्ट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा. आर्ट इन्वेस्टमेंट, ये दीज आर ऑल वल्गर वर्ड्स विच हैज कम इन टू प्ले. मतलब आप जिसको शादी करेगा ना जी, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, दैट यू आर एन इन्वेस्टमेंट. तो अगर पेंटिंग इज लाइक ए वाइफ, यू नो व्हाट आई मीन, तो यू लाइक पेंटिंग, दैट्स व्हाई यू हैव इट. इफ यू कांट अफोर्ड इट, यू डोंट हैव इट, बट यू गो एंड सी इट इन द म्यूजियम और यू बाय अ पोस्टर. क्यों? और प्रकृति को देखिए, वन ऑफ द एवेन्यू इन चंडीगढ़ में वो पीले फूल होते हैं और सारा पेड़ से झुका हुआ है, रास्ता है. 16 और 17 की जो ड्राइविंग रोड, मुझे याद नहीं, मुझे वो रास्ता याद है, पूरा झुका हुआ पेड़ में फूल होता था. Somebody invited me to give a lecture to non-art world people. मतलब साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, आईटी प्रोफेसर वगैरह लोग को एक ऑडिटर. मैंने उनको पूछा, व्हेन यू गो फ्रॉम योर होम टू द ऑफिस व्हाट डू यू डू? नो आई ड्राइव. आई सेड ओके. व्हाइल ड्राइविंग व्हाट डू यू थिंक? My work in the office. So I say, रास्ते में जो बढ़िया बढ़िया पेड़ है उसको देखा? नहीं. उसमें जो गुलमोहर के फूल है देखा? नहीं. अच्छा, ये जो राजस्थानी लड़कियां जो बेचते हैं उनका आंख इतना सुंदर है देखा? नहीं देखा. एक लड़की छलांग मार के does acrobatic on the street. Have you seen? They haven't seen. It's so pathetic and banal. We have become very ऑर्डिनरी. हमारे कोई दम नहीं है, हमको सिर्फ मारुति नहीं चाहिए, BMW चाहिए. इसी आपका पंजाब का और सारा देश का, सबने खेती बेच दिया और सबके पास गाड़ी है, एयर कंडीशनिंग एंड हैमबर्गर है और कोका कोला एंड स्कॉच विस्की है, स्पूरियस स्कॉच विस्की. इट्स वेरी सैड. डू यू नो नोबडी इज डूइंग फार्मिंग? व्हेन यू पास थ्रू पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इन विंटर, यू सी द मस्टर्ड फील्ड, पीले रंग का पूरा झुल रहा है हवा से. वो तो कोई पागल हो जाएगा जो पोएट्री नहीं लिखता लिखेगा ना. पूरा जो गवर्नेंस है, पॉलिटिशियंस हैव डिस्ट्रॉयड द कंट्री, नंबर वन. मीडिया हैज डिस्ट्रॉयड द कंट्री एंड लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड होम इज डिस्ट्रॉयड द कंट्री. दिस लास्ट दूरदर्शन, instead of competing with others, they should have produced fantastic program on dance and music and painting. Not shahri logon, hum logon ka nahi, jise maine bola sarson ka khet ka. But ye inculcate kaise kiya jaye? There is a stupid idea in the mind of editors of television and media. They say, no, the audience and the common people do not want this. They want only glossy and thoda Hema Malini ka dance. That's right. It is